मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ माहौल फिर से भगवामय हो गया है। मोदी जी के स्वागत में लाखों लोग उमड़ पड़े हैं, इस गर्मी, इस तपती गर्मी को भी भूल चुके हैं। जो देश हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमेशा से यहाँ से बीजेपी की सीट रही है, क्योंकि ये सनातनियों का गढ़ है ये, और इस बार भी सनातन ही जीतेंगे और बीजेपी की भारी बहुमत से यहाँ से विजय होगी। मनोज तिवारी जी फिर एक बार यहाँ के सांसद बनेंगे। किस तरह से ये जनता का हुजूम आपको देखने को मिलेगा, ये उत्साह आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और लोगों में जो एक उत्साह है वो आपको हाई देखने को मिलेगा। और अभी इस वक्त आप जो भीड़ देख रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं और प्रधानमंत्री वहीं से लोगों को संबोधन देते हुए, वहीं से हाथ हिलाते हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से स्वागत कर रहे हैं। और ये वो आज दिन है जब इलेक्शन है 25 तारीख को दिल्ली में, और 25 तारीख सांसद मनोज तिवारी यहां से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और ठीक उनके सामने कन्हैया कुमार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी आज यहां पर इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने के लिए आए हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंच पर उतरे हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंच पर आए हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर इस चुनाव में कितना रंग बदलने वाला है, कितना माहौल बदलने वाला है। और जो अभी तक के चुनावों का नतीजा था उसको देखते हुए बिल्कुल ये चुनाव का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी भीड़ यहाँ जो देखने को आपको मिल रही है तो इसका असर कहीं ना कहीं चुनावी वोटों पर पड़ने वाला है, और एक तरफा जो जीत है उसका भी बड़ा असर होने वाला है। यहाँ पर इस वक्त आप ये जो हुजूम देखेंगे ना, वो दूर तक और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारों से गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जय जयकारों से गूंज रहा है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावों का इस पर कितना असर होने वाला है। किसने राम मंदिर बनवाया, किसने राम मंदिर बनवाया, भारत माता की, ओम नमः पार्वती पते। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मोदी की इस जनसभा के बाद आज ये तो पक्का हो चुका है कि यहां से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। और ये जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है, ये भीड़ इतनी उतावली हो चुकी है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है, और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने देना चाहती है। और यहाँ पर सांसद मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की जो टक्कर है उसमें आज ये डिसाइड हो रहा है कि कन्हैया कुमार को बड़ी हार मिलने वाली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से वो संकल्प लोगों को दिलवाना चाहते हैं। 400 पार का जो नारा मोदी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए
वोट की अपील कर रहे हैं कि तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है तो उनको वोट डालना पड़ेगा, उनको अपने प्रत्याशी को जिताना पड़ेगा।